अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम होगे जी आपके एक नए व्लॉग में। काफ़ी अरसे बाद जो है हम अपनी व्लॉगिंग दोबारा से शुरू कर रहे हैं और अभी जो है ना नाक भी जो है वो बंद है और इस वक्त जो है ना सर्दियाँ कम हो रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं और मौसम जो है वो रात में सर्दी होती है और दिन में जो है वो गर्मी होती है और ये सीज़न है सब्ज़ी उगाने का। घर की जो किचन गार्डनिंग होती है वो हमने करनी है तो उसके लिए कुछ जगह बनवाई थी और यानी कि हल और जो है रूटावेटर वो लगवाया था और उसके बाद जो है ना उसमें जो है खेल होती है जो जिसमें हमने पौधे लगाने हैं, यानी कि जिसके कद्दू हो गया, तूरी हो गई, गवार की फली हो गई और उसके बाद जो है करेला हो गया, मिर्चें हो गई और भिंडी हो गई। तो ये सारी जो है हमने इसमें ये सब्जियां उगानी है तो वो जगह बनाते हैं हम। कुछ जगह जो है वो मैं कल बना दी थी और उसके बाद याद आया यार हम मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है तो उसके लिए वीडियो क्यों ना बनाई जाए। तो इंशाल्लाह हम फिर से जो है वीडियोज़ का आगाज़ कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि जगह कैसे बनती है, कितनी मेहनत होती है और आज शुरू से लेकर जो है एंड तक जब तक वो फल उतरेगा वो सब दिन जो है ना वो आपको दिखाता रहूँगा उसकी ग्रोथ और उसके बाद जो है क्या क्या यानी कि हमने लगाना है वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं अभी उधर जहाँ पर जो है हमने तरकारी जो है वो उसकी जगह जो बनानी है हमने वो दिखाता हूँ आपको। चलें जी तो करते हैं शुरू अभी अपना काम, इससे हम जो है आज अपनी सारी मेहनत करेंगे। अभी जो है ना काम करने का हमें एक और फ़ायदा भी हुआ है कि हमारी जो नाक है वो खुल चुकी है और जो पहले बंद थी वैसे ही जो कि हम काम करना शुरू हुए और उसके बाद जो है हमारी नाक भी खुल चुकी है। तो अभी जो है और आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं कि काम कैसे हो रहा है वो दिखाते हैं आपको। काम से बहुत थक गया हूँ यार और ये जो है निकल चुकी हैं पूरी खेलें जो हैं, ये इस साइड पे भी हो गई और वो चारों तरफ जो है ये खेलें निकल चुकी हैं और अभी जो है इनकी जो है सफ़ाई करनी बाकी है वो सफ़ाई करते हैं और उसके बाद जो है इंशाल्लाह कल जो है ना इसमें फिर हम वो बीज लगा देंगे। तो उम्मीद है कि कल तक जो है ये मुकम्मल हो जाएगा और वाकई जो है ना बहुत थका देने वाला काम है, महसूस नहीं हो रहा कि भाई ज़्यादा ज़मीन है लेकिन थक जाता हूँ मैं जल्दी।
हाँ जी, ये देखें इनकी सफाई देखें, और वो जो है वो देखें। तो इसमें जो है ना ये सब ऐसे हो जाएंगे। और अभी फ़िलहाल जो है ना इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, यानी कि यहाँ इस काम को फिनिश करते हैं और बाहर जाकर ना घास की कटाई करते हैं। और ये है जी अपना घास जो घर के बाहर ही है, और छोटी हमारी मीमसा जो है ये है साथ चल पी, कह रही कि मैं भी घास काटूंगी। मीमसा किधे बंदे पैवे किधे मीमसा, और आओ और आओ और आओ, किधे बंदे पैवे क्या करे सो उडू। और इसके जो है ये दाती जो है मैंने ऐसी दी है जो बिल्कुल बेकार है, ताकि इसके हाथ पे नहीं लगे। और ये हमारा घास हो गया, और ये दूसरे जो है उनकी गंदम हो गई, और ये सारा माहौल आजकल हरियाली ही हरियाली है हर तरफ। बाबा थक गए थक गए, अब हाँ ठहरो सा, हाँ ठहरो, अच्छा उठाओ 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 पापा को जोर से उठाओ, इधर उठो इधर आ जाओ, हाँ उठाओ, उठाओ 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 उठाओ, ओहो ना ऊपर करो बाबा, हाँ चप्पल एक ना, बाबा थक गए जानी उठो किसी हाथ हारो जा किसी ले चल, चलो चलते हैं अभी अंदर और जाकर जो है घास काटते। अच्छा जी, जानवरों को जो है भूसा तो डाल दिया, यानी कि वो तोड़ी डाल दिए, और अभी ये जो है घास डाल दें, उनको मिक्स करते हैं। अच्छा जी, दूध निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है
वो एक तो है ये बाल्टी और उसमें पानी होना, और पानी जो है ना वो दूध में मिक्स करने के लिए नहीं होता, और वो जो है ना इसके थन धोने के लिए होता है। और अच्छा तो गाइस वो दूध निकालते ही, जब दूध निकाल रहा था गाय का तो बैटरी ख़त्म हो गई थी मोबाइल की, और अभी जो है थोड़े से चार्जिंग की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चलें फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।